आज बात करेंगे हम लोग बेस्ट इन्वेस्टमेंट की। बेस्ट का मतलब कि लो रिस्क एंड हाई रिटर्न, लोवेस्ट रिस्क एंड हाई रिटर्न। यहां पे बेस्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब है भैया लोवेस्ट रिस्क एंड हाईएस्ट रिटर्न। आपको ये सारी चीजें जानने से पहले मैं एक बात बताना चाहता हूं भैया, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट के बारे में आपको कुछ जानकारी होनी चाहिए। हम लोग पढ़े थे बचपन में, हम लोग पढ़ा था ना, लेकिन हम लोग जब जैसे जैसे बड़े होते हैं वो सारी चीजें क्या होते हैं, भूल जाते हैं। भैया सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड में क्या डिफरेंस है? सिंपल का मतलब होता है कि एडिंग, यानी आप क्या करते हो, सिर्फ ऐड करते हो अपने अमाउंट को। एक प्रिंसिपल अमाउंट है उस पर क्या करते हो, ऐड करते हो। और कंपाउंडिंग का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन। तो आप जरा बताइए आप कौन सा इन्वेस्टमेंट प्रीफर करेंगे, आप कहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जहां पे ऐड होता हो या मल्टीप्लाई होता हो? या मैजिक जो है ना इन्वेस्टमेंट का, वो है मल्टीप्लाई में, और मल्टीप्लाई होता है कंपाउंडिंग में ना। तो आज हम लोग पढ़ेंगे देखिए सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में। अगर आपसे कोई पूछे कि भैया मैं रिटर्न इतना परसेंट दे रहा हूं, तो आप जरूर बात करिए कि भाई आप सिंपल इंटरेस्ट दे रहे हो या कंपाउंड इंटरेस्ट दे रहे हो, इसमें दोनों में क्या डिफरेंस है। भाई आज हम लोग देखते हैं क्या मैजिक है दोनों में। दोनों का मैजिक को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के कुछ ट्रिक्स ले लेते हैं। देखो यहां पे हमने सिंपल इंटरेस्ट लिया है, सिंपल इंटरेस्ट का ट्रिक्स लिया है। सिंपल इंटरेस्ट आप सिंपली यहां पे देख रहे हो, यहां पे आपको क्या मिल जाएगा सर, यहां पे आपको मिल जाएगा कि देखिए यहां पे आपने 5000 पर मंथ अगर जमा कर रहे हो, 5000 पर मंथ जमा कर रहे हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 15% पर एनम। तो आपको फर्स्ट ईयर में कितना मिलेगा, आपने पूरे साल में 60000 जमा किया, 60K प्लस में आपको 15% यानी 9K मिला, यानी पूरे साल के अंत में आपको 69,000 रुपीज मिलेगा, यानी 9000 का इसमें क्या हुआ, सरप्लस हुआ 9000। यही 22 साल के बाद क्या अमाउंट हो जाता है भाई, 15,18,000 22 साल बाद। 27 साल बाद यही अमाउंट 18,63,000 हो जाता है, और 37 साल के बाद यही अमाउंट 25,35,000 रुपये हो जाता है। सिंपल आप इसको समझिए, ये हमारा कंपाउंड का मैजिक। ये हमारा क्या है भाई, कंपाउंड का मैजिक है। कंपाउंड के मैजिक को समझिए। अब बात करेंगे हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट की बात के। अभी हम लोग को सिंपल इंटरेस्ट देख रहा था, कंपाउंड इंटरेस्ट देखिए, सेम अमाउंट लिया हम लोगों ने 5000 पर मंथ, 15% हमारा एनुअल यानी पर एनम हमारा जो रिटर्न है वो है। मैं डायरेक्ट बात करता हूं कि ये अमाउंट 22 साल के बाद आपका हो जाएगा 1 करोड़। 22 साल बाद क्या हो जाएगा सर, 1 करोड़ रुपीज हो जाएगा। यही अमाउंट आपका 26 साल बाद कितना हो जाएगा, 2 करोड़। देखो कितना डिफरेंस है, सिर्फ 4 साल बाद यही अमाउंट क्या हो जाता है, डबल हो जा रहा है। 4 साल बाद डबल हो जा रहा है। अब देखो यहां पे 3 साल बाद यही अमाउंट क्या हो जा रहा है, 1 करोड़ और बढ़ जा रहा है। 31 साल बाद ही 1 करोड़ और बढ़ रहा है, 2 साल के अंदर में फिर 1 करोड़ बढ़ रहा है, 32 साल में 5 करोड़, और यही अमाउंट 37 साल यानी कि 5 साल बाद यही अमाउंट हो जाएगा 10 करोड़ रुपीज। आप यहां समझिए कंपाउंडिंग का मैजिक, ये है हमारा कंपाउंडिंग का मैजिक। तो जहां भी आप पैसा इन्वेस्ट करिए, तो आप एडिंग वाली प्रोसेस को इग्नोर करके, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट वाली प्रोसेस को इग्नोर करके, आप कंपाउंडिंग की तरफ जाइए, वहां पे आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा। आज हम लोग यही बात करने वाले हैं कि आप किस तरीके से सेफेस्ट एंड द हाईएस्ट रिटर्न इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कहां पे कर सकते हैं आपको, और हाईएस्ट रिटर्न एकदम सेफेस्ट है और हाईएस्ट रिटर्न। मैं स्टॉक मार्केट की बात नहीं कर रहा हूं भाई, वहां पे तो आपको रिस्क भी तो ज्यादा है, हाईएस्ट रिटर्न तो आपको मिलेगा, हाईएस्ट रिटर्न तो मिलेगा लेकिन रिस्क भी वहां पे ज्यादा है। मैं ऐसी जगह बात कर रहा हूं, ऐसे जगह पे जहां पे आपका सेफेस्ट है भैया, रिस्क के नाम पे बहुत कम है और रिटर्न यानी कि जबरदस्त है, आपको मालामाल कर देगा। तो आपने अभी देखा कि सिंपल और कंपाउंडिंग का मैजिक, सिंपल में ऐड होता है, कंपाउंडिंग में मल्टीप्लाई होता है, सोचो किस तरीके से। तो हम लोग इसके आगे का पार्ट है, पार्ट इसके आगे का ये है भाई कि देखो अगर आप 2010 के अंदर, यानी 2010 में
अगर आपने LIC में पैसा अगर इन्वेस्ट किया था 1 लाख रुपए, 1 लाख की बात करेंगे, 1 लाख रुपए अगर आपने LIC में इन्वेस्ट किया था, तो आज वो यानी 2023 के अंदर, यानी 2023 के अंदर वो आपका अमाउंट 13 साल के बाद 2 लाख रुपए होता, डबल। FD में किया होता फिक्स डिपॉजिट तो 2.5 लाख होता, PPF यानी प्रोविडेंट फंड में किया होता तो 2.75 लाख होता, और गोल्ड में इन्वेस्ट किया होता तो 3.5 लाख होता। यहीं पे हम लोग बात करें अगर स्टॉक की, अब आप कहोगे यार स्टॉक पे स्टॉक बोल रहे हो, स्टॉक में फिर स्टॉक मिला दे रहे हो, यार देखो बात समझने की कोशिश करो, मैं आगे जो बात बताऊंगा ना वो स्टॉक स्टॉक वाली बात नहीं रहेगी, रहेगी लेकिन इसमें आप इंडिविजुअल स्टॉक की बात नहीं रहेगी, तो आप, मैं सिर्फ समझाने की पर्पज से बोल रहा हूं कि मान लीजिए आप कंपाउंडिंग का मैजिक को समझिए, कंपाउंडिंग के मैजिक यहां पे देखिए। अगर आपने HDFC में अगर पैसा 2010 में इन्वेस्ट किया होता, अगर आपने 2010 में HDFC में किया होता तो आज वो होता 9.5 लाख, हर MRF में किया होता तो 16 लाख, ब्रिटानिया में किया होता था 28, और टाइटन में किया होता तो भैया 37 लाख। अब आप कहोगे यार उस समय कोई बता दिया होता है, कौन बताने आएगा भैया, आपको खुद सिलेक्ट करना है, ये कहीं से ऐसे भगवान भगवान नहीं आ जाते हैं बताने के लिए कि आपको भगवान भगवान आ गए बताई दिए यार राजा पैसा पूरा झोंक दिया अपना पूरा घर द्वार बेच के और यार माला माल हो गए, ऐसा कुछ होता तो यार हम करोड़पति होते ना। सब की मैजिक, मैजिक तभी काम करेगी जब आपकी बुद्धि काम करेगा, यानी कि भैया काम, आप किस्मत से अभिषेक बच्चन हो सकते हो भाई, आप किस्मत से अभिषेक बच्चन हो सकते हो, लेकिन हार्डवर्क आपको अमिताभ बच्चन बनाता है, हार्डवर्क आपको अमिताभ बच्चन बनाता है। तो आपको खुद से काम करना होगा, खुद पे काम करना होगा, समझना होगा। सोचिए कितना ज्यादा अमाउंट हो गया होता 1 लाख 13 साल के अंदर, आज सब मालामाल हो गया होता है यार राजा, कहीं गए होते मजा लेते एकदम। हाँ चलिए आगे देखते हैं, आगे मैं आपको बहुत बेहतरीन चीजें बताने वाला हूं आगे। अब मैं बात कर रहा हूं कि भाई अगर आप ये सारी चीजें हैं तो क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं, ये सारी चीजें यानी अगर आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं, आपको क्या प्रॉब्लम आती है, इन्हीं प्रॉब्लम का सोल्यूशन मैं बताऊंगा कि आप चाहते हो भैया मेरा, आपने HDFC में किया होता, ब्रिटानिया में किया होता, MRF में किया होता, टाइटन में किया होता, तो आपका पैसा मालामाल हो गया होते, लेकिन इन सारी चीजों में इन्वेस्ट करने के लिए बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपको फेस करना पड़ता है, उन्हीं प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे कि ये प्रॉब्लम्स कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला चीज बात है भैया नॉलेज रिक्वायर्ड, आपके पास नॉलेज नहीं होता है कि भाई मैं जो किस स्टॉक में इन्वेस्ट करना है, पता होता तो भाई आप MRF टाइटन में करके आज मालामाल हो गए होते इस चीज की, भाई हमें क्योंकि हम लोग प्रिडिक्ट नहीं कर पाते भाई, हमारे पास ऐसी कोई दिव्य शक्तियां तो नहीं है ना, तो इस चीज की हमें अभाव रहता है सबसे पहले चीज। और दूसरी चीज नो फ्यूचर गारंटी, ऐसा कुछ नहीं है कि भैया वो पास्ट में अगर अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है तो भविष्य में भी अच्छा परफॉर्मेंस करेगा। यस बैंक को ही ले लीजिए भैया, यस बैंक को ले लीजिए, 400 का शेयर आज 18 रुपए पे चल रहा है, हाँ क्या स्थिति होगी उसकी। कुछ ऐसे शेयर हैं जिनकी एकदम कोई मतलब नहीं था, कहां से कहां पहुंच गए और कहां से कहां शेयर कहां से कहां पहुंच गए हैं, यानी लोअर सर्किट से अपवर्ड पहुंच गए, अपवर्ड से डाउनवर्ड पे या लोअर सर्किट पहुंच गए। तो हम लोग, आपको कोई फ्यूचर गारंटी नहीं रहता है इसलिए रिस्क रहती है भाई। हमको क्या पता था, हम भी रिस्क, हमको अगर पता होता तो हमें टाइटन में करते, MRF में करते, लेकिन पता नहीं था कि भाई ऐसा एक तरह से मालामाल कर देगा, TCS इस तरह से मालामाल कर देगा, बहुत सारे ऐसे शेयर हैं जो कि आपको मालामाल कर देते, लेकिन हमको फ्यूचर ही गारंटी नहीं होती उसके पास्ट परफॉर्मेंस पे, ये सबसे मेन प्रॉब्लम एराइज होती है। नेक्स्ट जो हमारा प्रॉब्लम एराइज होता है वो होता है राइट सेलेक्शन। भाई शेयर हम खरीदते हैं, आज भी खरीदते हैं, आज भी हम लोग ट्रेडिंग करते हैं, आज भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन हम वो शेयर साला खरीदते हैं और वही शेयर के प्राइस कम हो जाते हैं। हम लोग सोचते हैं यार ऊपर वाला खरीद लिए होते कितना बढ़िया होता ना, देखो इसका प्राइस ऊपर भाग गया और जैसे मैंने नीचे ये वाला खरीदा साला इसका डाउन हो गया। अब ये कंफ्यूजन हरदम बनी रहती है, जो हम लोग शेयर खरीदते हैं उसी की प्राइस कम होती क्या है, तो राइट सिलेक्शन, हम लोग राइट सिलेक्शन नहीं कर पाते, तो ये प्रॉब्लम एराइज होती है। इसके सॉल्यूशन में बात करूंगा आज, और सॉल्यूशन में बात करने से पहले इसको थोड़ा सा देखते हैं हम लोग, तो इसके सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे कि भाई आप कहां पे पैसा इन्वेस्ट करेंगे जहां पे लोवेस्ट रिस्क एंड द हाईएस्ट रिटर्न आपको मिलेगा, एकदम जबरदस्त मिलेगा, मैं दावे के साथ कहता हूं। चलिए हम लोग देखते हैं कुछ उसके प्रॉब्लम्स का समाधान, और हमारे प्रॉब्लम्स के समाधान सबसे पहले हैं भैया Nifty 50। आपने नाम सुना होगा Nifty 50, Nifty 50 का मतलब होता है कि
जो हमारा 50 टॉप कंपनियां होती हैं, इसमें 50 टॉप कंपनी होती है जहां पे हम अपने पैसे को इन्वेस्ट करना चाहिए। इस कैसे करेंगे आप? देखिए, हम लोग म्यूचुअल फंड, SIP, बाकी तरह के बहुत सारे हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। निफ्टी 50 इंडेक्स फंड क्या होता है कि मेरा जो पैसा जाएगा या जो मैं पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूं, चाहे म्यूचुअल फंड के थ्रू करता हूं, लेकिन वो जो पैसा मेरा है, वो इन्वेस्टमेंट है, वो कहां लगेगा भाई? निफ्टी के 50 टॉप कंपनियों में लगेगा। और मैं आप लोग एक चीज दिखा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। ए रहा हमारे पास कुछ टर्म्स, देखिए इसको, देखिए ए हमने यहां पे लिया है। देखो भाई, यहां पे देखिए, मैं इसको समझा दे रहा हूं, उसके बाद आप देखिए। आपका जो हमारा जो निफ्टी 50 स्टार्ट हुआ था 890, यानी 900 करीब, कब स्टार्ट? 2022, 2002 को लेते हैं। देखिए 2002 में लगभग 1000 के करीब हमारा निफ्टी 50 था। निफ्टी 50 क्या था? 1000 के करीब, यानी 1000 था। आज निफ्टी 50 हमारा कितना पहुंच गया सर? 20,000। 1000 कहां पहुंच गया? 20,000 में पहुंच गया। समझ रहे हो मैं क्या बात बोल रहा हूं? यानी 1000 कहां पहुंच गया? 20,000 पहुंच गया। यानी जब भी आप निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करते हैं, जब भी आप निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करेंगे तो 50 कंपनियां होंगी। और आप सोच रहे हो यार, 50 कंपनी है तो बाकी कंपनियां बैंकरप्ट भी तो होती हैं, खराब भी तो होती हैं, हटती भी तो हैं, तो आपको कहां करना है भाई इन्वेस्टमेंट? आपको मैं बताऊंगा सारे सॉल्यूशंस। इन्वेस्ट करना है आपको निफ्टी 50 में। म्यूचुअल फंड में आपका एक कॉलम आता है निफ्टी 50 का, उसी में आपको निफ्टी फंड इंडेक्स होता है, उसमें आपको इन्वेस्ट करना है, क्योंकि इसमें 50 टॉप लेवल की कंपनियां होती हैं और इसकी संभावनाएं बैंकक्रप्ट होने की बहुत ही कम होती हैं। अब दूसरा है नो रिस्क कंपनी बैंकक्रप्ट, यानी बैंकक्रप्ट होने की संभावनाएं कम होती है। क्यों होती है? क्योंकि कोई भी कंपनी अचानक से रातों रात तो बैंकक्रप्ट नहीं हो जाती, डूब नहीं जाएगी, विलुप्त नहीं हो जाएगी, डिक्लाइन करेगा धीरे धीरे, वो नीचे आएगा, और जैसे ही धीरे धीरे नीचे आएगा वो टॉप 50 से हट जाएगा और कोई जो दूसरी उसके नीचे रही कंपनियां वो टॉप 50 में आ जाएंगी। यानी आपके फंड जो है वहां से निकाल करके टॉप 50 कंपनी में फिर से इन्वेस्ट कर दिया जाएगा। तो भाई साहब, यहां तो रिस्क ही खत्म हो गया ना, कि आपको सिर्फ टॉप 50 में ही बन के रहना है। अगर वो हट भी जा रही है तो वहां से निकाल के पैसा टॉप 50 में लगा देगा वो बंदा, आपका पैसा, ठीक है। और दूसरी चीज की भाई, ये आपके इंडियन इकोनॉमी को रिप्रेजेंट करता है, और हमारा जो इकोनॉमी है दुनिया का सबसे फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। पूरे विदेश के लोग, दुनिया के लोग हमारी इकोनॉमी के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। टॉप 50 समझ रहे हो, 50 कंपनियां भारत के टॉप 50। एंड द मेन पॉइंट यहाँ पर लोअर एक्सपेंस, जो म्यूचुअल फंड है, जो हम लोग म्यूचुअल फंड इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं, उसका जो एक्सपेंस है, एक्सपेंस रेशियो है, वो इंडेक्स फंड से ज्यादा है। यानी आपको अगर यहां पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पे जो एक्सपेंस होता है, एक्सपेंस का मतलब जो ब्रोकर्स होते हैं जो कमीशन लेते हैं ना, वो यहाँ पे क्या है? कम है भाई। म्यूचुअल फंड यानी जो हमने इक्विटी में अगर म्यूचुअल फंड कर रहे हो तो वहां से यहाँ पे क्या है? कम है। तो आपको सीधा बिना रिस्क के पैसे को कहां लगा देना है भाई? लगा देना है इंडेक्स फंड में। म्यूचुअल फंड के थ्रू ही इन्वेस्ट होता है, लेकिन उसका अलग कॉलम होती है इंडेक्स फंड, वहां पे आप जाकर के आप क्या कर सकते हो? अपने पैसे को लगा सकते हो। करके देखिए, इसमें रिस्क न के बराबर है और रिटर्न भैया दबा का रिटर्न है, क्योंकि आप अपने पैसे को निफ्टी 50 में लगा रहे हो, 50 भारत के जो इंडियन इकोनॉमी के टॉप कंपनी है, और वो भागेगी नहीं। आहा, कैसा लगा? आप वीडियो यार पसंद आती है ना, तो मेरा एक रिक्वेस्ट होता है, रिक्वेस्ट ये है कि भाई आप उसको क्या करो, मन करे तो, जबरदस्ती थोड़ी है, और भाई पैसे नहीं लगते, लाइक कर दो और शेयर कर दो, अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर दीजिए, ताकि उनको भी पता चले कि भाई अपना फंड कहाँ हम इन्वेस्ट करें। पता ही नहीं रहता है तो उनको पता रहे कि भाई अपना फंड कहाँ इन्वेस्ट करें। मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।